HTML में हम बात करेंगे और HTML में हम क्या जानेंगे कि मार्की पर हम बैकग्राउंड कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए आइए नोटपैड प्लस प्लस को मैं ओपन कर लेता हूं। आपके पास अगर नोटपैड है तो वहां पर भी आप कोडिंग बेझिझक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां से न्यू फाइल चूज करेंगे, ठीक है, और यहां पर हम अपनी कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ HTML, फिर लिखूँगा हेड, हेड के बाद आएगा टाइटल। टाइटल में आप जो भी आपका टाइटल है, जैसे मेरा टाइटल है मार्की बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ मार्की बैकग्राउंड लिख देता हूँ, मार्की बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस टाइटल टैग को यहाँ कर दीजिए क्लोज। HTML में दो प्रकार के टैग होते हैं, एक पेयर्ड टैग और एक सिंगुलर टैग। पेयर्ड टैग को हम कंटेनर टैग भी कहते हैं और सिंगुलर टैग को हम एम्प्टी टैग भी कहते हैं। तो अभी तक तो जो आप मैंने शुरू किया है HTML, हेड और टाइटल, ये तीनों ही पेयर्ड यानी कि कंटेनर टैग हैं। आइए अब यहाँ पे हेड को भी क्लोज कर देते हैं हम। हेड को क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम बॉडी लगा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बॉडी लगाने के बाद अब यहाँ पे हम मार्क्यू लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्क्यू, और आपको यहां लिखना है बीजी कलर, ठीक है। बीजी कलर लिखने के बाद इज इक्वल टू का निशान बनाइए, और यहां पे ध्यान रखिएगा आप, बीजी कलर लिखने के बाद इज इक्वल टू का निशान बनाइए। आपको जो भी कलर लगाना है यहां से आप अप्लाई कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे रेड लगाना है, तो यहां मैंने लगा दिया रेड कलर, ठीक है। इसको क्लोज किया, इसको भी क्लोज किया, और यहां पर अब हम क्या करेंगे, मार्क्यू को क्लोज कर देंगे। यहां पर क्लोज कर दिया हमने मार्क्यू को, तो यहाँ ये मार्क्यू क्लोज हो गया। अब इसी को मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे चूँकि कुछ डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनवरी, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए काम हमारा आसान हो चुका है, यहाँ से इसको करिए कॉपी। अब जब कॉपी करिएगा तो इसको यहाँ नीचे पेस्ट कर दीजिए, और पेस्ट करने के बाद आप सिर्फ कलर चेंज करते जाइए, और यहाँ जो आपको राइट करना है लिखना है उसको बस चेंज करते जाइए। तो यहां पे मैं कलर करूंगा ग्रीन, ठीक है। आप इसके बजाय कोड भी डाल सकते हैं, अगर आपको कोड याद है तो आप कोड भी डाल सकते हो, ठीक है। यहां पे मैं लिखूंगा फरवरी, ओके, और देन नीचे आऊंगा, फिर यहां पे लिखूंगा, कॉपी करूंगा और यहां लिखूंगा मार्च, MAR, ठीक है। कलर यहां पे चेंज कर देंगे हम, कलर यहां पे वायलेट कर देता हूं मैं। वायलेट करने के बाद अब नीचे आएंगे, फिर वापस यहां पे हम क्या करेंगे, ब्रेक टैग लगाते चलेंगे। यहां से ब्रेक टैग एक सिंगुलर टैग होता है, देखिए मैंने बताया आपको ना एम्प्टी टैग, तो ये ब्रेक टैग जो है सिंगुलर यानी कि एम्प्टी टैग होता है, ये सिर्फ ओपन रहता है, कभी क्लोज नहीं होता है। तो यहां पर ब्रेक टैग लगा देता हूं मैं, यहां पर भी लगा देंगे ब्रेक टैग। ब्रेक टैग लगाने से फायदा क्या होगा, लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर भी इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, और कलर यहाँ पे फिर चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे कलर रखता हूँ येलो, तो येलो कलर कर दिया हमने, और अब यहाँ पे अप्रैल कर देंगे हम, APR, ठीक है, ये लिख दिया हमने। फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे चेंज करेंगे, और यहाँ ब्रेक टैग लगाना मत भूलिएगा, यहाँ ब्रेक टैग लगा देता हूँ मैं, ठीक है। और अप्रैल के बाद अब मई महीने की बात है, तो यहाँ पे MAY कर देता हूँ मैं, ठीक है। फिर यहाँ ब्रेक टैग लगा देता हूँ, और नीचे आऊँगा, फिर इसको कॉपी पेस्ट, कॉपी कर ही चुका हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे हम, यहाँ पे कर दूँगा मैं ऑरेंज, और यहाँ पे कर दूँगा मैं ब्लू, ब्रेक टैग लगा देंगे यहाँ पे। नीचे आएंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोमेटो, ठीक है, टोमेटो ये भी एक कलर होता है, ठीक है। और यहाँ महीने का नाम चेंज कर देते हैं, मंथ का नाम, तो मई के बाद आता है जून, यहाँ लिखता हूँ जून, JUN, ठीक है, और फिर जुलाई तो JUL, तो ये लिख करके
फिर यहाँ पे ब्रेक टैग लगा दीजिए आप, नीचे आएंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अगस्त कर देंगे और कलर यहाँ लगाएंगे, वापस से मैं करता हूँ येलो, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक टैग लगाएंगे, ब्रेक टैग को लगाने के बाद यहाँ पे अब लास्ट में एक बार और इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, अगस्त तक हो चुका है, पहले मैं कॉपी पेस्ट कर ही लेता हूँ यहाँ पे सब, ब्रेक टैग लगा दिया हमने, इसको कर लिया मैंने कॉपी, और अब इसको पेस्ट करते हुए चल रहा हूँ नीचे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यहाँ तक पूरा हम बना लेंगे, ठीक है। अब हमको करना क्या है, सिर्फ यहाँ नाम चेंज करना और कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ मैग्नेटा, ठीक है, पिंक, ब्लैक, ग्रीन, और इसको रेड ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे इन सारों को क्लोज करना होगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जनवरी, यहाँ पे जनवरी है तो इसको सितंबर कर लेते हैं थोड़ा सा, एस ई पी टी, ठीक है, सितंबर, यहाँ पे अक्टूबर हो जाएगा, ओ सी टी कर देंगे अक्टूबर, यहाँ पे हो जाएगा नवंबर, एन ओ भी, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा दिसंबर, बस यहीं तक रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं। यहाँ पर अब हम करेंगे इसको, ये ब्लैक कलर जो है ब्लैक पे सूट नहीं करेगा, तो यहाँ पे इस कलर को भी चेंज कर देते हैं, और यहाँ डाल देते हैं हम येलो, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमको लाइन बाय लाइन इसको क्लोज करना है, तो सबसे पहले हम किसको क्लोज करेंगे, मार्क्यू क्लोज कर चुके हैं हम क्लोज करेंगे अब बॉडी को, तो यहाँ बॉडी लिख दिया हमने, और बॉडी टैग को क्लोज करना है, तो क्लोज कैसे होता है, तो यहाँ पर रखिए कर्सर को और यहाँ कर दीजिए इस तरह का ऑब्लिक का साइन बना दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये ऑब्लिक का साइन आपको मिलेगा एम, अल्फाबेटिक एम, अल्फाबेटिक जो बटन होता है एम, एम के तीसरे नंबर वाले बटन पे मिल जाएगा आपको, और क्वेश्चन मार्क का जो साइन होता है वहाँ से आप इसको बना सकते हैं। चलिए ये नीचे आते हैं, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर HTML को भी क्लोज कर देंगे, तो यहाँ HTML को भी मैंने कर दिया है क्लोज। अब इसको सेव करने की बारी है, तो जब भी आप इसको सेव करेंगे, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले के वीडियोस में कि आप इसको .html के साथ ही सेव करेंगे, मैं इसको kite.html कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेव करूँगा डेस्कटॉप पे, तो ये देखिए ये सेव हो चुका है। अब इसको रन करवाने की बारी है, तो यहाँ पर जाके हम रन करवाते हैं इसको, ठीक है, ये गए हम, और यहाँ से हम क्रोम में इसको रन करवाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस तरह का एक इंटरफेस हमारे सामने आया है। अगर आपको इस तरह का बनाना हो कुछ, तो आप ऐसे बना सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे अभी इसमें मैंने हाइट और विथ नहीं दिया है, जैसे ये है ना, यहाँ पे हाइट और विथ भी आप दे सकते हैं बहुत ही ईजिली, ठीक है। कैसे देंगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो वायलेट कलर है ना, इसमें आप हाइट विथ दे सकते हो, यहाँ पर लिखिए हाइट इज इक्वल टू 50 पिक्सल, सॉरी 50 पिक्सल, ठीक है, और विड्थ दे देंगे
60 पिक्सल, ठीक है। इसको यहाँ से कर दीजिए क्लोज और इसको भी कर दीजिए। अब इसको करिए सेव यहाँ से, देन इसको दोबारा से रन करवाइए, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जिसमें मैंने हाइट बढ़ाई हुई है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ रहा है। ये देखिए ये किस तरह का ये दिख रहा है हमें, 50 पिक्सल 60 पिक्सल जिसमें मैंने दिया था उसमें क्या आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी चौड़ाई यानी कि विथ बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने 50 पिक्सल हाइट रखा है, विथ रखा है 60, तो मैं इसको कर देता हूँ 260, ठीक है। अब इसको सेव करता हूँ, आइए देखते हैं कि विथ बढ़ाने से क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी साइज जो है इंक्रीज हुई है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ तक आ चुका है, और थोड़ी सी अगर हम बढ़ाना चाहें तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैं आपको और भी बढ़ा के दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 760, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने बढ़ा दी है इसकी विथ, तो अब देखते हैं अब कहाँ तक ये जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा आधा से अधिक ये कवर कर चुका है। तो इस तरीके से आप विथ और हाइट दोनों बढ़ा सकते हैं। अभी हाइट की बात करते हैं, तो आइए हाइट बढ़ा के दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से देखिए हाइट है, इसको मैं 250 करता हूँ, ठीक है। जैसे ही 250 करके इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, मैं इसको क्रोम में लॉन्च कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये इसकी हाइट जो है काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है। और वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, लाइक कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि मार्क्यू लगाने से क्या होता है कि टेक्स्ट या पिक्चर को आप मूव करा सकते हो, ठीक है। अब मार्क्यू में भी आप डायरेक्शन दे सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, हाइट और विथ दिया है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन हमने फिलहाल नहीं दिया है। आप डायरेक्शन भी दे सकते हो, डायरेक्शन के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।